आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। शिव की नगरी में नवरात्र की धूम जबरदस्त तरीके से चल रही है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अशोक सोनी की रिपोर्ट। सोशल मीडिया पर एक वीडियो जबरदस्त तरीके से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में गरबा खेल रही हैं कुछ महिलाएं और उसमें ऐसा बताया जा रहा है कि सिवनी की जिलाधिकारी संस्कृति जैन भी इसमें सहभागिता कर रही हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अशोक सोनी की रिपोर्ट। प्रदेश स्तर पर भी अनेक मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर ये वीडियो वायरल हुआ है। वैसे माता की आराधना सभी को करनी चाहिए। आप चाहे जिस पद पर हों, जिस मुकाम पर हों, माता की आराधना के लिए आप सभी स्वतंत्र हैं और इसका स्वागत सभी को करना चाहिए। बहुत ही आप देख सकते हैं कितने सुंदर तरीके से, शालीन तरीके से गरबा प्रस्तुत किया जा रहा था। नवरात्र के अवसर पर जगह जगह माता जगदम्बे की आराधना की जा रही है। गाने बजाने, जस गीत भजन सब कुछ आपको दिखाई दे रहे होंगे। सब आपको जहां से आप गुजर रहे होंगे वहां पर आपको ये सारी चीज़ें सुनाई दे रही होंगी। सबसे ज़्यादा जस और भजन, इन जस और भजन की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि रिकॉर्डिंग की बजाय इन भजनों को, इन जस को स्थानीय स्तर पर उपलब्ध वाद्य यंत्रों के जरिए गाया और बजाया जा रहा है। आपके सामने यहाँ आप देख रहे होंगे स्थानीय स्तर पर जो भी संसाधन उपलब्ध हैं, जो भी स्थानीय स्तर पर इंस्ट्रूमेंट्स उपलब्ध हैं उनके जरिए गाया और बजाया जा रहा है। देखिए ढोलक की थाप किस तरह से दी जा रही है और वीडियो यहां पर लोग बनाते दिख रहे होंगे। ये देखिए ढोलक जो बजा रहे हैं उनके भावों को देखिए, उनके अंदर उठने वाले भाव को अगर आप देखेंगे तो माता की आराधना में पूरी तरह तल्लीन वे नजर आ रहे होंगे। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज के लिए अशोक सोनी की रिपोर्ट। माता का शक्ति स्वरूप, 9 शक्ति स्वरूपों की पूजा इस दौरान की जाती है। पहले दिन माता ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है, दूसरे दिन माता के चंद्रघंटा स्वरूप की पूजा होती है, पहले दिन माता के शैलपुत्री स्वरूप की पूजा होती है, दूसरे दिन माता के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा होती है, तीसरे दिन माता के चंद्रघंटा स्वरूप की पूजा होती है, चौथे दिन माता के कूष्मांडा स्वरूप की पूजा होती है, पांचवा दिन होता है माता के स्कंद माता स्वरूप का, छठवा दिन होता है माता के कात्यायनी स्वरूप का और सातवा दिन माता के कालरात्रि स्वरूप का, आठवा दिन माता के महागौरी स्वरूप का, नौवां दिन होता है माता के सिद्धदात्री स्वरूप का। इन 9 दिनों तक आराधना शारदेय नवरात्र में जो शीत ऋतु में आती है, दरअसल इसे शीत ऋतु वाली नवरात्र कहा जाता है, वैसे चैत्र नवरात्र में भी माता का पूजन होता है और ये शारदेय नवरात्र में यहाँ पर पूजन के उपरांत भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। जगह जगह भंडारे होते हुए आपको देख रहे होंगे। चूंकि यहाँ पर प्रकाश नीला है इसलिए सब कुछ आपको नीला ही दिखाई दे रहा होगा। सड़कों पर सड़क किनारे भंडारे और ये देखिए माता के साथ माता का वाहन किस तरह से सर हिलाता हुआ आपको दिख रहा होगा। इस तरीके की झांकियां भी यहाँ पर बनाई गई हैं। माता की झांकियां आपको दिख रही होंगी और माता की झांकियों के साथ में ज्योति कलश भी रखे हुए दिख रहे होंगे। माता की सुंदर सौम्य सलोनी प्रतिमा, मनमोहक प्रतिमा, ऐसी प्रतिमा जिससे आपका नजर ना हट पाए और वहीं पंडाल में ही आप देख सकते हैं माता के जस और भजन जारी। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज के लिए अशोक सोनी की रिपोर्ट। ये देखिए किस तरह से जोश भर रहे हैं ढोलक बजाने वाले
सज्जन जो हैं उनके द्वारा लोगों के अंदर जोश भरा जा रहा है। जो उनके वाद्य यंत्र बज रहे हैं उन वाद्य यंत्रों को पूरी तन्मयता के साथ बजाया जाए। जो भी माता के जस या भजन चल रहे हैं उन जस और भजन को पूरी ही तन्मयता के साथ उसका उसे गाया जाए और उन सब का श्रवण भी किया जाए। शिव की नगरी में माता जगदम्बे, माता अम्बे, माता काली सभी की का पूजन अर्चन लगातार जारी है। 9 दिनों का ये शारदेव नवरात्र का पर्व अपने अंतिम चरण में है। अष्टमी और नौमी दोनों एक साथ 11 सितंबर शुक्रवार को मनाई जा रही है। शनिवार 12 सितंबर को दशहरा होगा और उसके बाद दशहरे में ही माता की प्रतिमाओं की विदाई आरंभ हो जाएगी। जवारे निकलने का सिलसिला भी शुक्रवार 11 अक्टूबर 2024 को शाम से ही दोपहर बाद से ही आरंभ हो गया है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अशोक सोनी की रिपोर्ट। शारदीय नवरात्र बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। 9 दिन तक माता के शक्ति स्वरूपों का पूजन होता है। माता के शक्ति के स्वरूप पहले दिन माता शैलपुत्री, दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी, तीसरे दिन माता चंद्रघंटा, चौथे दिन माता कुष्मांडा, पांचवें दिन माता स्कंद माता, छठवें दिन माता कात्यायनी, सातवें दिन माता कालरात्रि, आठवें दिन माता महागौरी और नौवें दिन माता सिद्धिदात्री। इस तरह माता के 9 स्वरूपों का पूजन होता है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अशोक सोनी की रिपोर्ट। कितनी तन्मयता के साथ भजन प्रस्तुत कर रहे हैं, जस गा रहे हैं यहाँ पर कलाकार माता के पंडाल के अंदर, और श्रोता बहुत भक्ति भाव से इनके इन भजनों का श्रवण करते हुए आपको नजर आ रहे होंगे। ये देखिए झूमते गाते यहाँ पर महिलाएं भी यहाँ साथ में गा रही हैं और माता के पंडाल के अंदर नृत्य करते हुए आपको माता की आराधना करते हुए यहाँ लोग दिखाई दे रहे होंगे। इस तरह के दृश्य आपको अंदर से आध्यात्मिक तौर पर मजबूत करते हैं, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अशोक सोनी की रिपोर्ट। शिव की नगरी में माता के नवरात्र, ये कहा जाए कि माता के शारदेय नवरात्र में लोग भक्ति भाव के साथ माता की आराधना करते हुए नजर आ रहे होंगे। देखिए यहाँ पर बालिकाओं के द्वारा माता का स्वरूप यहाँ रखा गया है और कितने सुंदर तरीके से इन्हें सजाया गया है और बाल सुलभ इनकी हरकतें भी आपको दिखाई दे रही होंगी। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अशोक सोनी की रिपोर्ट। माता यहाँ विराजी हुई हैं और माता जहाँ विराजी हैं वहीं पर अब ये माता को प्रसन्न करने के लिए उनकी आराधना नृत्य गीत भजन जस के जरिए लगातार जारी है। देखिए कितने सुंदर तरीके से यहाँ पर बालिकाओं के द्वारा प्रस्तुति दी जा रही है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अशोक सोनी की रिपोर्ट। सोशल मीडिया का ज़माना है, लोग वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर ज़बरदस्त तरीके से वायरल कर रहे हैं और इन वीडियोस को माता के जहाँ जहाँ वीडियोस सोशल मीडिया पर मिल रहे हैं उनको लोग देख रहे हैं। अच्छा प्रतिसाद, बेहतरीन प्रतिसाद मिलता हुआ इसका दिख रहा है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अशोक सोनी की रिपोर्ट। लगातार 9 दिनों तक हमने समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के जरिए आप तक पहुंचने का प्रयास किया है। अगर आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ की खबरें पसंद आ रही हों,
साथ ही धर्म प्रभाग भी आरंभ किया गया है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया का एक धर्म प्रभाग है, उसे भी आप देखना ना भूलिए। अगर आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ में खबरें पसंद आ रही हैं तो आप इन्हें लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए। अशोक सोनी की इस रिपोर्ट के साथ फिलहाल इजाजत लेना चाहेंगे, हम फिर हाजिर होंगे। जय हिंद।